हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूँ स्वाति एंड देख रहे हैं जैसे कि एक्वेरियम का कलर येलोइश कलर में आ चुका है, इसलिए हमने एक भैया को बुलाया था जिनकी खुद की एक एक्वेरियम शॉप है एंड वो क्लीनिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले ये लंबा सा पाइप अपने साथ में लेके आते हैं जो उन्होंने बाहर की तरफ डाल दिया है एंड उसका दूसरा जो एंड है उसको एक्वेरियम के अंदर डाल के वहाँ से थोड़ा पानी मुँह से खींच के छोड़ देंगे तो पानी पूरा उसमें से निकल जाएगा। तो पहले मतलब हमारे घर में भी जो एक्वेरियम है हैदराबाद में, उसमें पापा भी कैसे साफ़ करते, पूरा जो भी उसके अंदर मटेरियल है सब कुछ निकाल के मछलियों को दूसरे बकेट में डाल के एकदम ड्राई करके सुखा के ऐसे क्लीन करते हैं। पर इन्होंने बोला कि ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो जम सा गया है, आपको क्या बोलते हैं इसको, जो बोलते हैं आप समझ जाओ, वो जम गया है जो, वो जिस चीज़ से साफ़ कर रहे हैं वो भी मछली का ही एक शेल है सूखा हुआ, उससे साफ़ करने से शीशे पे जो है बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं पड़ते एंड बहुत अच्छी तरह क्लीन हो जाता है। एंड इससे करते करते जो भी उसके अंदर शीशे के अंदर पीलापन था वो सब गायब हो गया। एंड आप अभी देखिए पहले और अभी के पानी में थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है। एंड उसके बाद मैक्सिमम पानी निकाल के ओनली जितना आपके साइज़ का जो एक्वेरियम है उसमें, जैसे हमारे एक्वेरियम में करीबन 100 लीटर तक पानी आ जाता है, तो उसमें यहाँ लास्ट में जो है ओनली 20 लीटर छोड़ दिया है जितने तक मछलियाँ डूब सकती है। उनका मोटिव ये था कि पानी में रहते रहते मछलियों को जब आदत पड़ जाती है तो उसमें एक बैक्टीरिया फॉर्म होता है और उस बैक्टीरिया को हमको जो है नहीं निकालना चाहिए। अगर हम बैक्टीरिया पूरा एक्वेरियम खाली करके सुखा देंगे और नया पानी भरेंगे तो उसमें बैक्टीरिया नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मछलियों को लगेगा कि पानी चेंज हो चुका है एंड फिर उनको नया जैसा लगेगा, जैसे हमारी प्लेस चेंज हो गई है वो वाली फीलिंग आएगी एंड इस वजह से जो है मछलियाँ मरती रहती है जब भी टैंक जो क्लीनिंग जो भी क्लीनिंग करते हैं इस तरह से। तो देखिए अभी इन्होंने इधर तक पानी निकाला और क्लीन पूरा नीचे तक किया है, लेकिन पानी पूरा नहीं निकाला ना ही मछलियों को निकाला है। एंड उसके बाद कवर ऐसे रखे, कवर के ऊपर पानी डाला है। तो हम इसमें जो है जो आरओ वाटर होता है वही डालते हैं, कैन वाला वाटर। एंड अपने घर में जो कैंट होता है उसमें एकदम से इतना पानी भरना मुश्किल है, इसलिए हमने रात को ही जो है सेपरेटली ये जो वाटर कैंस है वो डलवा लिए थे एंड पन्नी के ऊपर रख के इसलिए डाल रहे ताकि पानी में एकदम से हलचल ना मचे और मछलियाँ जो है बिल्कुल ना डरे। तो काम करने वाले जो भी होते हैं थोड़ा सा मतलब हम जितना सोचते हैं उतना नीटली करते नहीं है, तो उन्होंने अंदर अंदर क्लीन कर दिया और ऊपर कुछ भी क्लीन नहीं किया। एंड उसके बाद वो एक्सक्यूज़ देने लगे, नहीं मैम बैक्टीरिया 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 पानी के अंदर रहेगा, ठीक है वो तो ऊपर वाली जगह है जो रह रहे के ऐसे येल्लो हुए उसको भी साफ़ करो। तब उन्होंने, मैंने बोला तो बाद में साफ़ किया, लेकिन फिर भी पूरी तरह साफ़ नहीं किया। बाद में फिर मेरे को हाथ लगाना ही पड़ता है किसी भी चीज़ में, उसके बाद फिर मैंने पूरा चमकाया। एंड ऐसे करने की प्रोसेस की वजह से मछलियों को बिल्कुल पता भी नहीं लगता है कि कुछ हुआ है एक्वेरियम में, इट्स जस्ट दैट कि हाथ घुसा है या मतलब जब भी कोई पानी में हाथ डालता है तो कैसे भी ये क्रिएचर्स थोड़े डरते हैं उस टाइप से, लेकिन जगह प्लेस ना होने वाली फीलिंग आती है उनको। तो यहाँ पे लगातार हमने इसमें 4 कैन पानी तो इसका डाला एंड 1 कैन करीबन हमारे घर में था कैंट से उससे डाल दिया। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो शाम हो चुकी है और हम निकल चुके हैं बाहर। इससे पहले जैसे कि आपने देखा कि हमारा एक्वेरियम अभी सफ़ा चट साफ़ हो चुका है एंड जो साफ़ करने के लिए आए थे उन्होंने बोला कि आपने जो अभी फिश डाली है इन दोनों की भी पड़ती नहीं है, मतलब कुछ ब्रीड्स उन्होंने बताई कि पड़ती नहीं है, 2-3 दिन में उनकी टेल्स वो काट देगी, ये वाली फिश उसकी काट देगी, इसलिए आपको हटाना पड़ेगा। तो फिशेस अगर आप एक्वेरियम रखते हो इट्स नॉट अ ईजी टास्क, यू हैव टू टेक केयर ऑफ सो मैनी थिंग्स। Sometimes you know water is not suitable, sometimes breeds are not compatible, so many things. देखने के लिए लगता होगा भैया बस एक खरीदना है और एक्वेरियम लगा देना है, उसको उसकी मेंटेनेंस एवरीथिंग इट टेक्स लिटिल मोर एफर्ट देन रेगुलर वन। सो उन्होंने बोला कि आपको वो वाली फिशेस निकालनी पड़ेगी, दूसरी फिशेस लेनी पड़ेगी। तो उनका भी एक एक्वेरियम शॉप है उन्होंने बोला, और मेरे पास
बहुत टाइप के फिशेस है, एंड ही वाज सेइंग कि वो एक्वेरियम में स्नेक्स भी डालते हैं, मतलब जो पालने वाले स्नेक है, बट मेरे को तो स्नेक सुन के गूज़बम्स आ रहे थे। एंड हफ्ते में एक बार बोलते हैं उसको एक चूहा डालते हैं खाने के लिए, मैं वो नहीं बताऊँ, मुझे मत बताओ, मुझसे सुना भी नहीं जा रहा है, बिकॉज गूज़बम्स आते जा रहे थे, बहुत डर लगता है मुझको छिपकली से, सांप से, चूहों से, मैं चीख निकल जाती हूँ उन चीज़ों को देख के। तो मैडम डाल सकते करके बोलते हैं, ऐसे एक आर्टिफिशियल पेड़ लगाएंगे उसके ऊपर वो लिपटा रहेगा, हफ्ते में एक बार जो है एक चूहा डाल देंगे, वेरी सिंपल, और कभी कभी फ्रॉग भी खा लेता है वो, तो एकदम कैजुअली बता रहा था जैसे इट्स अ डे टू डे एक्टिविटीज। मैं तो सुन सुन के सरप्राइज हो रही थी। हमने बोला चलो अगर उनके पास डिफरेंट ब्रीड्स है और हमको कैसे भी बोला था वो मार देगी दूसरे फिशेस को, तो चलो देख लेते करके हम निकले हैं। और इसके बाद शायद अपना मूवी का प्लान भी है ही है, हर हफ्ते कोई ना कोई मूवी रिलीज होती है तो हम लोग चले ही जाते हैं, सोचते नहीं जाएं, लेकिन फिर वीकेंड में क्या करें, यहाँ पे कुछ है नहीं, जैसे मैंने बताया हमारी छोटी सी सिटी है तो अभी डेवलप हो रही है, तो डेवलप हो जाएगी उसके बाद हम आपको मूवी में कम कहीं और ज़्यादा दिखेंगे। उनकी दुकान कहाँ है वो भी हमको पता नहीं है, देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी एक्वेरियम को देख के काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। कल जब गंदा गंदा सा था ना उसमें जब हमने देखी थी फिशेस तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, अभी जब साफ होने के बाद देखी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। अभी पहले शॉप ढूंढ लेते हैं, रुको दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का फर्नीचर, शॉप्स काफी आ रही है, बड़े अच्छे अच्छे फर्नीचर लगे हुए हैं। तो अभी हम उनकी ही शॉप पे जा रहे हैं, उन्होंने बोला था कि आप आ जाना हमारी शॉप में, आप देखना, एंड इनकी शॉप थोड़ी अंदर को, इसलिए अभी तक हमको इस ठिकाने का पता नहीं था, वरना हम पहले होते इनकी शॉप में। एंड इनकी शॉप काफ़ी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज थी, आई लाइक इट वेरी मच, क्योंकि इससे पहले जिस भी शॉप में हम गए थे वहाँ पे इतनी स्मेल आती थी, जो बोलते हैं ना जहाँ पे कुत्ते बिल्ली मछलियाँ वछलियाँ रहते, तो अब कैसी स्मेल आती है क्योंकि मेंटेनेंस अच्छा से नहीं रहता है, लेकिन इनकी शॉप में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी, एंड बहुत अच्छा अरोमास आ रहे थे, अच्छी अच्छी स्मेल आ रही थी, मतलब बहुत अच्छी तरह मेंटेन, इतनी चीज़ें रहने के बावजूद जो है इतना मेंटेन्ड है, तो हम समझ सकते हैं कि कितना वो लोग वेल मेंटेन कर रहे हैं। और अभी थोड़ा बहुत रेनोवेशन कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें लगा रहे हैं, एंड ये टॉर्टॉइस है तो मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था देख के, बिकॉज कुछ चीज़ें ना थोड़े हिचक जाते हैं ना हाथ रखने में ऐसे, तो इनके शॉप में जो है काफ़ी सारी फिशेस है, ये जो फिशेस है इसको इसका मैंने आपको दिखा था ना एक बहुत एक बड़ी सी फिश थी इससे पहले, अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं, कौन सा हॉर्न बोलते हैं उसको, फ्लावर हॉर्न है उसका नाम, वो एक ही फिश जो है छोटी वाली फ़ीमेल थोड़ी सी सस्ती रहती है, जो मेल होता है वो 12,000-10,000 ऐसे रेट्स में भी रहता है। एंड यहाँ पे ये वाटरफॉल का एक फाउंटेन टाइप का है, तो इसके अंदर लाइट लगा के एंड फॉग भी आता है, सब कुछ बहुत अच्छा था, तो वो ये राजस्थान से मंगवाते हैं। उन्होंने बोला कि अगर हम यहीं पे लाइफस्टाइल में या किसी सेम जगह पे ख़रीदे, अगर विजयवाड़ा में, तो मैंने देखा था सेम ये सेम आइटम जो है 25,000 का था, तो मैंने राजस्थान से मंगाया तो मुझे 10,000 करीब पड़ा है, एंड सेलिंग पर्पज़ के लिए रखा है, तो हमने बोला कि एक हम भी लेंगे करके, लेकिन अभी बोला तो है लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है फिक्स कब लेंगे क्या है, बिकॉज रखने का प्लेस भी तो होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो है देख के अच्छी लग जाती है। नाम है सोफिया। अभिषेक और आदित्य सोफिया के साथ खूब खेले, मेनली अभिषेक खेला था सोफिया के साथ, वो कैट जो दिख रही है, एंड बाहर जो पिंजरे में थी वो अभी, और एक चेयर में जो थी वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, और जो पिंजरे में है वो सारे इनके बच्चे हैं, लेकिन एक एक कैट जो है 9,000, 10,000, 12,000 इस रेट में है, एंड बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन उनके बाल निकल रहे थे। एंड ये टॉर्टॉइस जो है मैंने पहले दिखाया था, ऐसे टॉर्टॉइस और भी है, ये क्या खाते हैं मालूम है, टमाटर, जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स कुछ भी खिलाओ, बहुत ही हेल्दी फूड खाते हैं, मतलब बहुत हेल्थ कॉन्शियस वाले ये टॉर्टॉइस है। एंड ये जो सोफिया यहाँ पे कैट है इसके साथ खेलती है, पहले ऐसी पैर वैर मारती है, फिर जब वो उल्टा होता है टॉर्टॉइस, फिर वो बिल्ली डर जाती है उससे, ये सोफिया है इसका नाम, एंड उसका नाम क्या था, छोटू की बबलू कुछ था नाम, बाद में याद नहीं रहते, भूल जाती हूँ। एंड ये जब लाइट ऑन करी थी वहाँ पे उसकी फाउंटेन की, तो वो सोफिया बैठ के देख रही थी, एंड बहुत सारे ऐसे, ये देखो कैसे गुस्से में दिख रही है, रात को दिख जाए तो बस हवा टाइट हो जाए कि लगेगा कि भूत ही आ गया है ना, तो
हमने पूरा उनके एक्वेरियम का पूरा आनंद उठाया एंड उसके बाद साइड में फिर वापस अब जब हम आ रहे थे क्या 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 निकल रहा है पापा करके जब हम वापस आ रहे थे तो गन्ने का जूस था साइड में तो पी लिया। गन्ने का जूस जो है टाइम टू टाइम पीते रहना चाहिए, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने पी लिया, बच्चे तो पीते ही नहीं है बिल्कुल। ये देखा ना आपने कितनी अच्छी अच्छी फिशेस थी उधर, और टॉर्टोइज एंड बिल्ली एंड उसको अभिषेक ने तो उस बिल्ली के साथ खूब खेल लिया। कुछ भी नहीं कर रही थी वो, कैसे भी उठाओ पिचकाओ, और ये उसको बहुत खींच रहा था फिर वो कहीं काट ना ले, वैसे तो वो बोले थे कुछ नहीं करेगी। एंड जो चेयर पे बैठी हुई थी ना, बैठा हुआ था वो उस बिल्ली का हस्बैंड है, उसका नाम है छोटू एंड इसका कुछ नाम था सफ़ेद वाले का, क्या नाम था भूल गई मैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी, हाँ हिंदी लो बिल्ली, तेलुगु लो पिल्ली, इंग्लिश लो कैट। सो काफ़ी अच्छे आइटम्स उनके पास रेगुलर ना आते। टॉर्टोइज भी बड़े अच्छे वाला था जो हाँ नीमो भी थी फिश एंड उसको रेगुलर एक्वेरियम में नहीं डाल सकते क्योंकि वो सी वाली फिश होती है, तो उसके लिए पूरा सेटअप अलग करना पड़ता है, सॉल्ट वाटर बनाना पड़ता है, 45 डेज तक रखना पड़ता है एंड 45 डेज के बाद उस वाटर में दैट कलर इज ऑरेंज वाइट एंड ब्लैक, और 45 डेज के बाद फिर उसमें कुछ केमिकल्स डालने पड़ते हैं, समथिंग समथिंग कुछ है। उस वाटर को बनाने में ही कम से कम आपको जो है ढाई तीन महीना 45 डेज मतलब डेढ़ महीना राइट, तो 2 महीने मैक्सिमम आपको लगेंगे। 2 महीने के बाद आपको उसमें जो है फिशेस डालनी है, कौन सी रेगुलर फिशेस नहीं, नीमो जो फिश है एक वो मैंने आपको दिखाया नहीं, बहुत ही पिद्दी सी थी, इतनी सी वो दिख भी नहीं रही थी, तो तब डालना है। एंड उसका मेंटेनेंस कुछ नहीं होता है बोलते हैं क्योंकि साफ ही रहता है, गंदा भी नहीं होता है वो सही, लेकिन इनिशियली जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और उन सी की जो फिशेस होती है उसकी वैरायटीज़ भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, मतलब अगर हम ऑर्डर देते हैं तब वो मंगा के डाल देंगे, और जो फिशेस है वो भी बहुत कॉस्टली फिशेस है। तो चलिए अभी हम ऐसे ही फिर थोड़ा सिटी में निकल गए हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, ऐसे ही हम वहाँ देख लिया तो अभी बाहर आ चुके हैं। उसके बाद हम एक्वेरियम शॉप से निकल के फिर सिटी में थोड़ा घुस गए एंड वीकेंड होता है तो घर में घुसने का मन नहीं करता है, लगता है कि थोड़ा घूमते फिरते रहो। तो ये हमारे विजयवाड़ा की स्ट्रीट्स है जो मैं काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ एंड जो वो जायंट व्हील दिख रहा था, जैसे ही आदित्य को दिखा तो बोलता जाएंगे जाएंगे एंड वहाँ पे चलना बहुत पड़ता है और इतनी देर जो है अभिषेक चलता नहीं, उठाने के लिए बोलता है। तो एक बार जाओ ऐसे एग्जीबिशन में काफ़ी है, बार बार घूमना बड़ा मुश्किल है उधर। एंड उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेंड सेट में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर गए थे कि मूवी टिकट मिलती है तो देख लेंगे करके, मूवी हमने सोचा मिल ही जाएगी क्योंकि वो जो मूवी हम स्मार्ट शंकर मूवी है वो रिलीज़ होके एक हफ्ता से ऊपर हो चुका है तो हमने सोचा टिकट्स मिल जाएगी, तो इसलिए हम ऊपर गए। लेकिन शो टाइम जो था वो 10:30 to 11:15 का था एंड हम लोग करीबन 8 बजे पहुँचे थे एंड दूसरा जो शो था वो 7:50 का था और हमको टिकट्स मिली नहीं, तो हमने सोचा थोड़ी देर पहले यहीं पे घूम लेते हैं। ट्रेंसेट में क्या है, हमेशा बाहर एंट्रेंस में बच्चों के लिए कुछ टॉयस रहते हैं खेलने के लिए एंड अपकमिंग मूवीज़ के वहाँ पे वो लगे हुए हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम ट्रेंसेट में आते थे यहाँ पे जो है ये वाला सेक्शन क्लोज हो चुका होता था एंड आज खुला है। तो यहाँ पे जो है एक लेडी टैटू करा रही हैं और 5 मिनट से वो टैटू चल रहा है एंड बहुत पेन हो रहा है बोल रही थी, मैंने सोचा मैं भी एक कर रहा हूँ लेकिन उनको देख के मुझे लगा नहीं मैं नहीं करा पाऊँगी करके, तो मैंने उनसे पूछा दर्द हो रहा है क्या, तो बोलती बहुत एंड जब मैंने जो बना रहे थे उनसे पूछा तो वो बोल रहे थे थोड़ा सा होता है करके, तो फिर मैंने बोला चलो वैसे भी अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं टैटू कराऊँ और उसके बाद दर्द वर्द होगा तो कैसे भी घूम नहीं पाएंगे। एंड उसके बाद फिर हम नीचे आ गए क्योंकि गाना गा रहा था ये अभिषेक की कार 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 एंड आदित्य बोल रहा था बाहर बॉल बॉल बॉल, बाहर की बॉल अभी दिखा दूंगी मैं आपको। तो हमेशा जब भी आते हैं यहाँ पे 3 राउंड लगवाते हैं बस ये कार में बैठा के एंड 100 रुपये लेते हैं, तो इनकी तो खूब कमाई है। मैं सोच रही थी कि भैया हम भी ऐसी एक कार खरीदो, ऐसी वाली जो कार से 10,000, 12,000 या 15,000 तक आ जाती है और ऐसे मॉल्स में दे दूँ एंड उसके बाद इनकम जनरेट करो। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, जो भी अगर ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं दे कैन, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा आते हैं एंड मैनी टाइम्स जो होते इनके पास जो कार्स या जो दूसरे दूसरे टॉयस हैं वो भी सफिशिएंट नहीं होते हैं तो वो वेट भी कराते हैं। तो अगर कोई देन ऐसा अभी बिजनेस करना चाहता है तो
दे कैन स्टार्ट, क्योंकि छोटी सी शुरुआत करने से ही बड़े तक पहुंचते हैं, इसलिए यू कैन स्टार्ट। तो आदित्य की अब बारी आ चुकी है, अभिषेक का वहाँ कार का राउंड ख़त्म हो गया। एंड यहाँ पे भी किसी भी आप टॉर पे चढ़ो तो सबके 100-100 रुपये। तो यहाँ पे ये वाला पिछली बार चढ़ा था आदित्य, लेकिन अब नहीं चढ़ा। वो जब उस पर चढ़ा तो बोलता था गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है, जैसे ऊपर जाता था। तो उसको थोड़ा उससे शायद थोड़ा सा डर लगा होगा। तो साइड में जो ये जो बॉल है उसमें घुस रहा है वो। एंड मैं बोल रही थी कि इसमें मत घुसो, पानी में एक्चुअली फ्लोट तो करता है, सब कुछ करता है, लेकिन बंद होता है पूरा, तो बहुत स्वेटिंग आएगी करके मुझे पहले ही मालूम था। बट ही एन्जॉयड लॉट इन दिस। तो वो लोग क्या है, जिप खोलते हैं एंड उसमें जो ब्लोअर है उसको रखते हैं, तो वो फट दे से फूल जाता है, विद इन 5 मिनट्स पूरा बड़ा हो जाता है। एंड जैसे ही बाहर आ जाते हैं बच्चे, फिर वो थुस हो जाता है। तो यहाँ पे आदित्य देखो कैसे खेल रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड, एक पॉलीथीन बैग के अंदर अगर आप घुस जाते हो तो गर्मी कितनी लगेगी। तो जैसे ही वो बाहर आया पूरा पसीना पसीना हो गया था, एंड थोड़े जो है उसके कपड़े भी गीले हुए, क्योंकि जो जिप वाली प्लेस है वहाँ पे से थोड़ा सा पानी अंदर थोड़ा थोड़ा आता ही रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा गीला हो गया, वो थोड़ा बहुत हुआ। फिर हम बाहर गए, फिर अंदर आ गए, यहाँ पे ऊपर वुडलैंड की शॉप थी। एंड मेरे हस्बैंड जो है वुडलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, जितनी भी वो चप्पल वप्पलें खरीदते हैं मैक्सिमम सारे वुडलैंड के खरीदते हैं। कुछ दिन पहले हैदराबाद में बाटा की खरीदी थी, लेकिन वो बोलते मुझे नहीं अच्छा लग रहा, उसमें कम्फर्ट नहीं लग रहा है करके। अभी जो साइड में पड़ी है जो उन्होंने खोली है वो भी वुडलैंड की, इनके बूट्स भी वुडलैंड के होते हैं, उसका सोल बड़ा रहता है। एंड ही मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है उनको। तो उनको एक बूट पसंद आया, लेकिन उसका साइज़ जो है अवेलेबल नहीं था। एंड आदित्य एंड अभिषेक मेरे को बार बार चप्पल ला ला के दे रहे थे, मम्मी ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा करके। तो मैंने पहना, बोलते ले लो करके। बट वुडलैंड में मुझे चप्पलें इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वैरायटी कम होती है और मोटे तगड़े रहते हैं, शेप्स इतने अच्छे नहीं रहते। एंड यहाँ पे जो है सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पे ऐसे क्या बोलते हैं, कैफ़े टाइप का है। तो जैसे आ ही गए थे यहीं पे, हमको 9 बज गए थे, तो हमने बोला चलो कुछ खा लेते, घर पे भी अवेलेबल था। बट आदित्य वाज लाइक कि खाते हैं फ्राइड राइस या कुछ, है ना, हमको भी मन कर गया कि अभी घर इतना घूम लिया, अभी घर जाके क्या खाएंगे, थोड़ा सा खा लेते। तो हमने एक जो है चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, एंड दूसरा दम बिरयानी ऑर्डर किया था, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ही, ज़्यादा नहीं, वो ले लिया। एंड ये जो एक्वेरियम वाले भैया, उनको हमने बोला था कि वो फिशेस लेके आना करके। तो हम जब तक वापस घर आए 9:30 बज चुके थे, और वो भी जो बाकी फिशेस है वो भी लेके आए थे। एंड उन्होंने बोला कभी भी डायरेक्टली फिशेस को इसमें नहीं डालना चाहिए, पहले कवर को थोड़ी देर दो कुछ 30 सेकंड के लिए ऐसे रखना चाहिए, एंड उसके बाद पन्नी को उल्टा करना चाहिए। देखो उन्होंने अभी उल्टा किया है, तो फिशेस को जो है नया प्लेस नहीं लगता, उन्होंने बोला। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो आए थे तब तो उन्होंने तुरंत ही डाल दिया। फर्स्ट टाइम सब लोग बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उन्होंने डाल दिया। एंड ये सारी फिशेस इस बार की सारी की सारी डिफरेंट है, एंड हम सबको बहुत अच्छा लगा देख के। एंड उसके अलावा भी कुछ सेटअप और करने हैं। ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो एक टाइप की पागलपंदी है लाइफ में, किसी ना किसी चीज़ की पागलपंदी होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में पागल ही हो ना, तो सच में ओरिजिनल वाले पागल होकर मेंटल हॉस्पिटल में बैठ जाओगे। मतलब पागलपंदी इन सेंस कि इंटरेस्ट होना चाहिए किसी ना किसी में, तब आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। एंड इट गिव्स सो मच पीस दिस एक्वेरियम, वी लव्ड इट अ लॉट। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो चिपका डालो एंड शेयर कर डालो एंड सब्सक्राइब कर डालो। चलो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।